हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ सम रिडक्शन यूजिंग के मैन। ठीक है, उसमें हम लोग जो लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे उसमें देखे थे एसओपी मींस उसमें क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट जो है, और एक होता है आपका पीओएस। ठीक है, पीओएस देखिएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अपोजिट होता है किसका, पीओएस का। क्लियर है, देखिएगा एसओपी में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी मैपिंग कर रहे थे उसको वन से फिल कर रहे थे, याद होगा। ठीक है, ये तो कर लिए। इसमें क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये डिफरेंसेस। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन टर्म्स कहते हैं, ये याद होगा आप लोगों को। ठीक है, ये याद होगा। नेक्स्ट इसमें क्या कर रहे थे कि जो वेरिएबल का वैल्यू जीरो है उस पर हम लोग नोट लिखते हैं। क्लियर है, और जिसका जिस पे नोट नहीं है उसका वैल्यू हम लोग वन लिखते थे। मीन्स अगर नोट लगा हुआ है तो जीरो समझ लो, या फिर जीरो है तो नोट लगा दो, या अगर वन लिखा हुआ है तो विदाउट नोट समझो, इस पर कोई भी नोट नहीं है। ठीक है, ये सब काम हम लोग कर रहे थे। क्लियर है, इसका ये जस्ट अपोजिट होता है, सेम सारा तरीका सेम रहेगा। देखो, इसमें जो भी आपका होगा वो जीरो से फिल करेगा, इसमें जो मैपिंग इस तरह से बनता था उसको वन से फिल कर दें, इसमें जो आपका मैपिंग बनेगा स्क्वायर को उसको हम लोग जीरो से फिल करें। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें हम लोग सम करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। अगर आप सम कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, मैक्स टर्म्स। क्या हो जाएगा वो, मैक्स टर्म्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम लोग क्या करेंगे कि जिसका वैल्यू जीरो रहेगा उस पर नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है, और जिसका वैल्यू वन रहेगा उस पर नोट हम लोग लगाएंगे। समझ में आ रहा है, ये मेन डिफरेंसेस है। इसमें एसओपी हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे भी हम लोग के मैप ही बनाएंगे। देखो, डेफिनेशन इसलिए पहले लिख दिए क्योंकि सब आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, उसी का हम लोग अपोजिट किए हुए हैं जो आप पहले पढ़े हो, क्या एसओपी। क्लियर, अब देखोगे इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या क्या बताया आपको। एसओपी में वन से फिल करते थे स्क्वायर्स को, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट फाइंड करते थे जिसको हम लोग मीन टर्म्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल का वैल्यू जीरो है उस पर नोट लिखते थे, और जिसका वैल्यू वन है उस पर नोट नहीं लिखते थे। ठीक है, इसमें क्या कर रहे थे, पीओएस में इसमें जीरो से फिल करें, इसका अपोजिट, इसको अगर वन से करो तो इसको जीरो से करना, ये रूल है। ठीक है, और इसमें क्या है कि सम करते हैं, इसमें प्रोडक्ट फाइंड करते थे इसमें सम करेंगे, इसमें जो वेरिएबल का वैल्यू जीरो होगा उस पर नोट नहीं लिखना है, और जिसका वैल्यू वन होगा उस पर नोट लिखना है। ठीक है, आपको आया समझ, सेम लिखा हुआ है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, देखोगे। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, इन पीओएस रिडक्शन में ईच स्क्वायर ऑफ के मैप रिप्रेजेंट्स अ मैक्स टर्म। देखो, ये सम कर रहे हो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स टर्म। जितना भी स्क्वायर होगा वो सारा स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा कौन सा टर्म्स को, मैक्स टर्म्स को। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम रिडक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से टर्म्स को दिखाता है, मैक्स टर्म को। और पीओएस जो है प्रोडक्ट ऑफ सम वो रिप्रेजेंट करता है मीन टर्म। ठीक है, देखो इसमें क्या पढ़े, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स में इसमें क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट में कि ये क्या करेगा, पहले प्रोडक्ट को सम करेगा। ठीक है, ये मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है और ये मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो, के मैप इज जस्ट द सेम एज दैट ऑफ द एसओपी। किसके जैसा होता है, एसओपी के जैसा, सेम। प्रोडक्ट ऑफ सम भी किसके जैसा होगा, एसओपी के जैसा। फोर अ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल, इसका कितना वेरिएबल होगा, एन वेरिएबल होगा। क्लियर है, उसमें भी एन वेरिएबल होता था, तो बताओ फार्मूला क्या होगा, टू दी पावर एन स्क्वायर, उसमें भी यही हो रहा था। देखो कि सेम मिलेगा, उसमें क्या करना है इसमें कि जहां जहां मीन टर्म्स है वहां मैक्स टर्म कर देना, बाकी सब सेम लिखना है। देखो उसमें वहां मीन टर्म्स लिखा होगा, यहाँ पे हम लोग मैक्स टर्म लिखे। ठीक है, अब क्या याद रखना है, फोर पीओएस रिडक्शन मैप इज फिलेड बाय प्लेसिंग जीरो। देखो, जो भी मैप बनाओगे उसको किस से फिल करना है, जीरो से। उसमें क्या लिखे थे, वन। इसीलिए स्क्वायर्स जो है इसका जो भी मैक्स टर्म होगा वो हमेशा आउटपुट क्या लीड करेगा, जीरो लीड करेगा। ठीक है, ये तो था थ्योरी, इससे तो थ्योरी आता नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लो। ठीक है, कि किस तरह का थ्योरी आए।
तो आप देखोगे हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे मैपिंग में, सेम जो आप पढ़े हो वैसा ही सेम करना है। देखोगे अगर टू वेरिएबल्स है, कितना वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स है, ठीक है, तो इसका मैपिंग इस तरह से बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टू द पावर एन, एन रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो बता कितना वेरिएबल है, दो है, तो दो है तो टू द पावर टू मतलब इसका कितना स्क्वायर बनेगा, फोर स्क्वायर बनेगा, यानी कितना स्क्वायर बनेगा, फोर स्क्वायर। तो इसको देखो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, देखिए इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है, इसका कितना स्क्वायर बनेगा, फोर स्क्वायर बनेगा, इस तरह से बन गया। ये आपका हो गया ए और एक हो गया बी, ठीक है, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये हो गया जीरो, ये हो गया वन, ये तो आपने पहले भी काउंट किए किए हो या नहीं। अब बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम में जो वेरिएबल का वैल्यू जीरो उस पर नोट हम लोग नहीं लिखेंगे, उस पर नोट हम लोग नहीं लिखेंगे। बी का वैल्यू क्या है, वन, तो इस पर नोट हम लोग लिखेंगे, मीन्स जिसका वैल्यू जीरो होगा उस पर नोट नहीं लिखना है, उसका अपोजिट कर देना है, उसमें नोट लिख रहे हैं, ठीक है, इसका क्या है, वन है, तो इस पर नोट लिखना है। अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, ए नोट होगा क्या, यस नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जीरो है, ठीक है, और वन वन तो ए पे नोट होगा ना, होगा। अब इसको आप काउंट कर दो, काउंट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जीरो वन टू थ्री, ये कहाँ से काउंट किए, यहाँ से देखोगे, ए ए प्लस बी, इसमें प्लस करना है, उसमें इंटू कर रहे थे, बताओ ए का वैल्यू क्या है, जीरो है ना, बी का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये जीरो का बाइनरी नंबर है कि नहीं, इसमें क्या लिखेंगे, ए प्लस बी नोट, ठीक है, इसका वैल्यू जीरो है ना, जीरो, और बी का वैल्यू क्या है, वन वन, तो वन का हुआ कि नहीं, ये बाइनरी नंबर लिख रहे हैं सो, ठीक है, इसमें आप देखोगे क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस बी, यही ना लिखेंगे, इसका वैल्यू वन, इसका वैल्यू जीरो, अब ये देखो तो दो का है कि नहीं, अब यहाँ पे ए नॉट प्लस बी नॉट, ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, वन वन और वन, तो वन वन किसका बाइनरी नंबर है, थ्री का, आप लोग को बताए हैं निकालने के लिए, आप जो नहीं जिसको है ना, आप प्रीवियस वाले वीडियो को देख लोगे उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। अगर तीन वेरिएबल दे दे तो, थ्री वेरिएबल्स दे दे तो, थ्री वेरिएबल्स रहेगा तो क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग मैपिंग बनाएंगे, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है, आप लोग सबको समझ में आना चाहिए, ये बना हम लोग का मैपिंग, इसमें क्या लिखेंगे बोलिए, ज़्यादा बन गया, बना या नहीं, तो इसको क्या करना है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ऊपर में क्या, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, आठ बनना चाहिए टोटल, आठ बना। अब इसमें क्या करते हैं, ए बी सी लिखते हैं, तो इसको दो बार काउंट करना होगा, जीरो जीरो, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, जीरो वन, पता है ना काउंटिंग, इसका क्या हो जाएगा, वन वन, इसका क्या हो जाएगा, वन जीरो, यही ना होगा, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन। अब देखो इसमें लिखेंगे बी प्लस सी, देखो बी का वैल्यू जीरो इसलिए बी लिख दिए, सी का वैल्यू जीरो इसलिए सी लिख दिए, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, इसमें सम होता है, इसमें क्या लिखेंगे बताओ, बी प्लस सी नॉट, क्योंकि सी का वैल्यू वन है इसलिए नॉट लिखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ए सॉरी बी नॉट प्लस सी नॉट, क्योंकि दोनों का वैल्यू वन है इसलिए नॉट लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे बोलो, बी नॉट प्लस सी, यही ना लिखेंगे, क्योंकि बी का वैल्यू वन है इसलिए नॉट लिखेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ ए नॉट होगा क्या, नहीं, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ए नॉट, क्लियर है। अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए प्लस बी प्लस सी, जीरो जीरो जीरो, सबका वैल्यू जीरो, तो रिजल्ट इज जीरो, काउंटिंग जीरो हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी नॉट, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन,
वन है तो नॉट, इसका रिजल्ट वन जब बदलोगे इसका क्या हो जाएगा, बी ए प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट, यही ना होगा ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थ्री होगा ना, थ्री जब बदलोगे तो, क्योंकि जीरो वन वन यही ना होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलिए, ए प्लस बी नॉट प्लस सी, इसका जीरो वन जीरो, ये कितना का बाइनरी है, टू का बाइनरी है ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, ए नॉट, ए नॉट यहां से लिए, बी प्लस सी आप लोग जानते हो पहले से, तो ये क्या हो जाएगा वन जीरो जीरो, ये किसका बाइनरी नंबर है, फोर का, तो फोर हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस बी प्लस सी नॉट, तो क्या जाएगा वन जीरो वन, कितना का हो गया, कितना का हो जाएगा ये, फाइव का ठीक है। ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट, वन वन वन, नॉट लगा तो वन वन वन, इसका सेवन ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी, ये कितना का हो जाएगा, वन वन जीरो, यही ना हो जाएगा ठीक है। तो ये कितना हो गया, सिक्स सिक्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट, इस तरह से बनाए। अब बताओ फोर वेरिएबल रहेगा तो कैसे बनेगा, फोर वेरिएबल्स, फोर वेरिएबल्स ठीक है, फोर वेरिएबल्स में हम लोग क्या बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, सब आप लोग जान रहे हो पहले से ठीक है। ये फोर बना तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी और सी डी ठीक है, इस तरह से बना लो इसका मैपिंग। ये बन रहा है, ये हो जाएगा आपका जीरो जीरो ठीक है, ये क्या हो जाएगा जीरो वन, ये क्या हो जाएगा वन वन, ये हो जाएगा वन जीरो ठीक है, ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो ठीक है, इधर जीरो वन, ये क्या हो जाएगा वन वन, और ये वन जीरो, क्लियर। अगर लिखो तो सी प्लस डी, सी प्लस डी नॉट वन है तो ठीक है, सी नॉट प्लस डी नॉट, सी नॉट प्लस डी वन है वैल्यू, तो पहले से बताया हुआ सर, ए प्लस बी, क्लियर है। इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी नॉट ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस बी नॉट, इसमें क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस बी, यही ना होगा ठीक है। अब इसको इस तरह से फिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो जीरो 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 जीरो, रिजल्ट है जीरो, ऐसा ही सबको फिल कर लोगे, इसका क्या हो जाएगा वन, इसका थ्री, इसका क्या हो जाएगा फोर ठीक है, इसका फाइव सिक्स सेवन, सॉरी ये टू हो जाएगा ना, टू, और ये कितना हो जाएगा थ्री, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा फाइव, ये सेवन, ये सिक्स, एट नाइन इलेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन फोर्टीन, यही ना काउंटिंग हम लोग करते थे, सेम एज यूजुअल हम लोग रिप्रेजेंट करें ठीक है। अब इसमें भी इतना तो आपको समझ में आया ठीक है, इसमें भी क्वाड बनेगा, ऑक्टेट बनेगा और पेयर बनेगा सेम उसके जैसा, मेथड से चेंज है। उसमें क्या कर रहे थे, फिर से ध्यान से सुनिएगा ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें ठीक है, उसमें जो भी मैपिंग आता था उस बॉक्सेस को जो स्क्वायर होता था उसको वन से फिल करते थे, इसमें हम लोग किस से फिल करेंगे, जीरो से फिल करेंगे, समझ में आया। उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके जोड़ते थे, इसमें सम करेंगे, समझ में आया। उसमें क्या करते थे, जो वेरिएबल पे नोट लगा हुआ रहता था उसका वैल्यू हम लोग जीरो समझते थे, समझ में आ रहा है। इसमें अपोजिट, जिस पे नोट लगा हुआ रहेगा उसका वैल्यू वन समझना है, जिस पे नोट नहीं लगा हुआ रहेगा उसका वैल्यू जीरो समझना है, समझ में आया ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन किस तरह से आएगा ठीक है।